हाँ तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (1973). तो ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्या जिस तरह हमने आपको सिविल प्रोसीजर कोड बताया, जो कि जनरल लॉ था रिलेटिंग टू सिविल लॉज, ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर है ये है जनरल लॉ फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर। ये क्या है? जनरल लॉ फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर। ओके, तो क्रिमिनल क्या है? यानी ये लॉ है रिलेटिंग टू ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। ट्रायल ऑफ ऑफेंस का प्रोसीजर कोड की जगह आप लिखिए इंडियन पेनल कोड। तो इंडियन पेनल कोड के हिसाब से जो क्राइम है यानी ऑफेंस है, उन ऑफेंस का ट्रायल कैसे होगा, इसका प्रोसीजर बताता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द क्रिमिनल प्रोसीजर आर टू टर्म्स, दैट इज ट्रायल एंड ऑफेंस। ठीक है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है? एक जनरल लॉ है रिलेटिंग टू द ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेज एज पर इंडियन पेनल कोड। ओके, तो अब हमें समझना है ट्रायल और ऑफेंस को। ऑफेंस के क्या होता है? हाँ, ऑफेंस इज इंटेंशनल, इंटेंशनल इलीगल एक्ट इंजरी बाय मैन ह्यूमन। तो ऑफेंस के लिए क्या है? एक इंटेंशनल जानबूझकर, जानबूझकर गैर कानूनी काम जिससे दूसरे को नुकसान, इन मनुष्य। ओके, तो एन ऑफेंस इज एन इंटेंशनल इलीगल एक्ट कॉजिंग इंजरी by the human। okay, तो ये क्या है? intentional act है अब ये offense दो तरह का offense होता है। एक होता है benevolent और एक होता है, हाँ जी दिखाई दे रहा है, एक होता है नॉन वेलेबल, वेलेबल एंड दूसरा क्या है? नॉन वेलेबल। वेलेबल ऑफेंस एंड
non-bailable offense? Bailable and non-bailable. तो बेलेबिल का क्या होता है, ये जो है जो फर्स्ट रूल में दिया हुआ है सीआरपीसी की, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीआरपीसी या किसी अदर एक्ट में, ओके। और नॉन वेलेबल के अंदर क्या होता है, अदर देन वेलेबल, अदर देन वेलेबल। तो वेलेबल क्या होता है, जहां बेल का राइट, बेट क्या होता है, जमानत, यानी फ्री फ्रॉम कस्टडी, सरकारी कस्टडी से प्राइवेट कस्टडी का यहां पे राइट होता है, राइट ऑफ प्राइवेट कस्टडी, जो जमानत, प्राइवेट कस्टडी का मतलब किसी की गारंटी पर, नॉन वेरिएबल के में ये जो राइट है दैट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, जहां पर जिसको आप कहते हैं यदि आपका अधिकार है जमानत मिलनी मिलनी है, दैट इज कॉल्ड बेलेबिल। और जहां पर जमानत का अधिकार किसके पास है, कोर्ट के पास है, वो बेल दे भी सकता है और बेल नहीं भी दे सकता, उसको कहते हैं नॉन बेलेबिल, ठीक है। तो ये जो राइट प्राइवेट कस्टडी किसको दी जाती है, मतलब जो सिक्योरिटी होता है उसको, एक गारंटर होता है, दोनों केस में सिक्योरिटी होता है उसको जिम्मेदारी दी जाती है। बेलेबल ऑफेंस में आपका राइट होता है राइट टू बेल, जबकि नॉन बेलेबल के अंदर ये किस डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट का डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट चाहे तो जमानत दे सकता है और अगर नहीं चाहे चाहे तो मना कर सकता है, ओके। ये फर्क है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल।